आगरा के ज्वेलरी शो के 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन मंगलवार को संपन्न हुआ। समापन समारोह में सभी एग्जीबिटर्स का सम्मान मोमेंटो देकर मंच पर किया गया। मंच पर नितेश चैन ग्रुप की ओर से लकी ड्रॉ भी खेला गया, जिसके विजेता आगरा के सराफा व्यापारी हरि बाबू गुप्ता रहे, जिनको नितेश चैन ग्रुप की ओर से 50 ग्राम का सिल्वर कॉइन दिया गया। इस अवसर पर आगरा ज्वेलरी शो के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के कार्यक्रम और आयोजनों से आगरा के चांदी व्यापार को आने वाले समय में और भी लाभ मिलने की संभावना है। ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी 10-11 सितंबर को यहाँ राजदेवम में लगाई गई थी और आज इसका समापन का और आखिरी दिन है। तीनों दिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, सभी जो हमारे एग्जीबिटर हैं काफ़ी खुश हैं और सबको अच्छा कारोबार करने का नए व्यापारी, नए कॉन्टैक्ट, नए प्लेटफॉर्म मिले हैं। और इसके साथ साथ हमने अपने आगरा सराफा के व्यापार की उन्नति के लिए भी यहाँ पर काफ़ी प्रयास किए हैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से। माननीय मंत्री जी ने खुद इतना सराहा है इसको और सरकार से ये कहा है कि इसको आगरा को ODOP में चांदी के व्यवसाय को लाया जाए, और हमने भी उनसे यही उनको विश्वास दिलाया है कि अगर ODOP में हमारा ये व्यापार यहाँ का चांदी का आ जाता है तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मालों की गुणवत्ता रहेगी और आगरा एक इंडिया की चांदी के बाज़ार की कैपिटल बन सकता है, ऐसी संभावना बहुत प्रबल है। कितना लाभ मिलने वाला है? पहले से निश्चित तौर पर प्रदर्शनी काफ़ी बढ़ी थी, विजिटर्स भी बढ़े हैं, एग्जीबिटर भी बढ़े हैं और व्यापारी भी बढ़े हैं, लोगों को लाभ उससे पिछले वर्ष की अपेक्षा काफ़ी अधिक मिला है। विभिन्न वर्गों में 10 ग्राम के 10 कॉइंस और 20 ग्राम के 5 और एक बम्पर ड्रॉ 50 ग्राम का था। कुल 16 लोग विजेता रहे हैं, नाम तो मेरे को याद नहीं है और लेकिन उनके जितने भी कूपन्स निकले हैं उनको फ़ोन करके उनको भिजवा दिए जाएंगे। अच्छा प्लेटफॉर्म है व्यापार के लिए, जो छोटा व्यापारी है जिसको लोग जानते नहीं है उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक खुली प्रतिस्पर्धा का एक मंच है ये और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मंच है। यदि हम इसको अच्छे तरीके से लेते हैं तो निश्चित तौर पर व्यापार को बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए चांदी का व्यापार आगरा का वैसे ही अपना एक उसकी काफ़ी एक पहचान है और जब इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं तो ना एक दूसरे की टेक्नोलॉजी, एक दूसरे के डिज़ाइन, उनको देखना, एक दूसरे से आपस में विचार विमर्श साझा करना, इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें साथ में चलती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का माइंड मेकअप भी होता है और माइंड डेवलप भी होता है और वो ये भी एक दूसरे से का माल देखकर, दूसरे का प्रोडक्ट देखकर कोशिश करते हैं कि हम भी और बेहतर करें। देखिए निश्चित तौर पर हम लोगों का उद्देश्य यही है कि अब आगरा की चांदी की पायल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले और उसके लिए हम प्रयासरत हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम इस स्तर को पा लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर गुप्ता है और GCM सिल्वर प्राइवेट मेरी भी फर्म है एंड कंपनी है कतोले ज्वेलर्स मेरी फर्म है। हम आगरा में किस तरीके का रिस्पॉन्स आया? पिछली बार से इस बार रिस्पॉन्स अच्छा आया है, बट फर्स्ट डे हमारा रिस्पॉन्स थोड़ा कम था क्योंकि बारिश के कारण और दिल्ली बंद था चक्कर में, काफ़ी ट्रेन ड्यू हो गई चक्कर में, फर्स्ट डे अच्छा नहीं था। जी अगर अपने प्रोजेक्ट की बात करें तो क्या क्या, मेरे पास 4 मेल्टिंग 4 मेल्टिंग में हम काम करते हैं। अपन के पास GCM LX 36 वाला हो गया और GCM Star एंड GCM 70 GCM 91, 3 तरह के अपन के प्रोडक्ट हैं, 4 तरह के। पिछले वर्ष से इस बार हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ऐसा नहीं है, पिछले वर्ष से बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स हमको पाया है। हाँ, यहाँ दूर दूर से, मुंबई से हो गया, चेन्नई से हो गया और आपका बेंगलोर हो गया, तमिलनाडु से हो गया, काफ़ी विजिटर देखने को मिला है, देखने के लिए अब काफ़ी विजिटर आया है। आगरा की पायल की पहचान अभी नहीं मिल पाई, तो क्या मानते हैं, क्या कमी मानते हैं आप? सर इसके अंदर थोड़ा आगरा का कुछ अलग ही रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत तरह तरह की मेल्टिंग की पायल मिल जाता है कि आप हर तरह मेल्टिंग का 30 का 25 का 35 का 40 का 50 का, अगर सब मिलके एक मेल्टिंग अगर जैसे गोल्ड में हो गया इस तरह का एक पायल में हो जाए, सिल्वर में हो जाए, तो अच्छी तरह से पहचान मिल पाएगी, क्योंकि हम पहचान पाएंगे, होलमार्क पहचान पाएंगे हम। वही हमको जी मुरैना के नाम से भी चांदी आगरा में बहुत चांदी, वो किस तरीके की चांदी? एक्चुअली मुरैना के नाम से एक्चुअली होता क्या है, नहीं आगरा में बहुत मुरैना में बहुत नीचा मेल्टिंग का माल चलता है, तो हर कोई 30-35 टन 45 टन का माल मुरैना के नाम से चलता है। वो क्या कहेंगे इस एग्जीबिशन को लेकर, किस तरीके का फ़ायदा व्यापारियों को आगरा के इस कारोबार को मिलने वाला है? सर एक्चुअली हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हमको थोड़ा होलसेलिंग वाले व्यापारी चाहिए, तो हमको मिले हैं बहुत से और एग्जीबिशन लगाए, मनीष जी ने जो एग्जीबिशन लगाया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया इसका और बहुत से मैन्युफैक्चर हमको होलसेलर मिले हैं यहाँ के लिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप विजिटर्स? सर विजिटर्स को संदेश देना चाहेंगे कि एक बार आइए GCM शॉप पर किनारे बाज़ार में, अपना
होल्ड टुका शॉप है, वहाँ पर विजिट कीजिए, आपको बहुत सी बेहतरीन वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू सर।